वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आपको बेटा होमवर्क दिया गया था एक्सरसाइज 5.5, जो क्या था, बीट्स आपने काउंट करनी थी और राइट डाउन करनी थी, जो अबेकस पर ऑलरेडी शो की गई है। और जो नेक्स्ट सम था, आपने अबेकस पर बीट्स को ड्रॉ करना था और राइट डाउन वहाँ पे ऑलरेडी की हुई थी, तो आपने ड्रॉ करना था। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क क्लियर कर लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से देख के अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हो। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.6, तो बेटा उसमें क्या है, आपने ना कंपैरिजन करना है और क्या करना है, बिगर और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है सर्कल द बिगर नंबर, सी केयरफुली फर्स्ट डिजिट 168 एंड सेकेंड इज 81, यू नो देर आर ओनली टेंस एंड वंस एंड फर्स्ट इज 100। तो आपको पता है 100 में आ गया है, तो मतलब बड़ी डिजिट कौन सी होगी, 168। तो मैंने 168 पे सर्कल लगा दिया। जो नेक्स्ट हैं बी और सी सम, आप अपने आप सॉल्व आउट करो। एंड देन है सी सम, जो हमारा थर्ड सम जो हमारा है सर्कल द स्मॉलर नंबर। आपको ये देखो 884, आपको पता है फर्स्ट आप देखो 8 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो देखो 8 बड़ा है, इन्होंने पूछा है स्मॉलर नंबर, तो छोटा क्या हुआ 7, तो मैंने 7 पे सर्कल लगा दिया। तो आपने नेक्स्ट डिजिट देखना है और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर सर्कल लगा देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रीडेसेसर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो दे रखी है, मान लो फर्स्ट है 568 एंड सेकंड 543, मतलब जो छोटी क्या हुई 543, तो उसके पहले हमने प्रीडेसेसर मतलब उससे पहले क्या आता है, तो वो हमने राइट डाउन करना है। तो जैसे 500 का मैंने एज इट इज़ 5 लिख दिया, और 43 से पहले क्या आता है 42। ऐसे बेटा आपने क्लियरली अपनी नोटबुक में भी ये सम करने हैं। 5.6 का चैप्टर क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन बेटा आप अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करोगे और अपनी बुक में भी करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जो नेक्स्ट है हमारा कंपेयर करना है, ठीक है, जो सॉरी प्रीडेसेसर हमने कर लिया, देन सक्सेसर, सक्सेसर मतलब बाद में क्या आता है, उन्होंने पहले स्मॉलर पे प्रीडेसेसर मांगा था, अब उन्होंने बिगर बड़े वाले नंबर का हमने सक्सेसर लिखना, मतलब बड़े वाले नंबर के आगे क्या आता है। तो फर्स्ट नंबर है 668 एंड 643, तो बड़ी डिजिट कौन सी है 668, और उसके बाद में क्या आएगा 669। तो उसके बाद ये आपने सम सॉल्व करना है। 5 सम है, वहाँ हमने कंपैरिजन करनी है, मतलब जो हमने यहाँ नंबर नेम दे रखे हैं 449, तो 449 हमने कैसे लिखना है 449, और नेक्स्ट है 459, तो इन दोनों में और इन दोनों में देखो कौन सी डिजिट है, यहाँ 4 सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ 4 सेम है, यहाँ 5 है, तो मतलब इधर वाला सम। तो ऐसे आप अपने नीचे पेंसिल से पहले इनको न्यूमेरिकल में लिखोगे और उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.6 थी, जो मैंने आपको क्लियर कर दी। कल हम करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ डू योर एक्सरसाइज 5.6 इन बुक एंड नोटबुक ऑल्सो।